What's up guys? So मेरी पिछली वीडियो थी फैट लॉस के बारे में, काफ़ी लोगों ने देखा, पसंद किया और उसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस भी आए। So लोगों ने पूछा कि हम अपना वेट कैसे गेन करें, मतलब हमारे न्यूट्रिशन में कैसे चेंजेस लाए जिससे हमारा वेट गेन हो। तो आज की ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपने डाइट में चेंज लाने पड़ेंगे ताकि आपका वेट गेन हो। तो जब हम बात करते हैं वेट गेन करने की, तो हम बात कर रहे हैं कैलोरिक सरप्लस की। आपको कैलोरिक डेफिसिट से कैलोरिक सरप्लस में आना पड़ेगा, मतलब आपको अपना पर डे का कैलोरिक इनटेक इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका पर डे का कैलोरिक इनटेक है 3000 कैलोरीज, तो आपको यहाँ 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे। और अगर हम टोटल वीक का देखें तो आप 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं पर वीक में, मतलब आप वो कैलोरीज तो कंज्यूम कर रही है जो आप रेगुलर करते थे, लेकिन आप यहाँ 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम इसको ही कैलकुलेट करते करते पर एक मंथ की देखें कैलकुलेशन, तो आप अकॉर्डिंगली अराउंड 15000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं गाइस, जिससे आपका वेट एक मंथ में एक या दो किलो श्योरली बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ये कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं ये हेल्दी फूड से आए, अनहेल्दी फूड कंज्यूम नहीं करना आपने। अनहेल्दी फूड में क्या है, दो तरह के फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये एक हिसाब से बैड फैट्स हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके हार्ट के लिए इट इज़ नॉट सफिशियंट। तो आपको अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा कंज्यूम करने हैं अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड फैट्स। पर डे के अकॉर्डिंग आप सैचुरेटेड फैट्स अराउंड 15% कंज्यूम कर सकते हैं, बट आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आपके वो बॉडी के लिए बैड है। सो फॉर गुड न्यूट्रिशन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं ओटमील अपनी मॉर्निंग डाइट में, मतलब 1.5 कप ऑफ ओटमील यू हैव टू कंज्यूम। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो 1.5 कप लें या 1 कप, और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो सिर्फ 1/2 कप लें। और जो वेट गेन कर रहे हैं वो यहाँ फ्रूट्स ऐड करें अपनी डाइट में, स्पेशली बनानास और अदर फ्रूट्स, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। ऑरेंजेस गाइस, ऑरेंजेस आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यू शुड डेफिनेटली कंज्यूम दैट। और आप यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करें अपनी डाइट में, मिल्क, कर्ड, पनीर एक्सेट्रा। और जो फैट लॉस कर रहे हैं वो अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा ना ऐड करें, क्योंकि उसमें फैट्स है। अगर आप ऐड करना ही चाहते हैं तो आप लो फैट मिल्क, लो फैट कर्ड कंज्यूम कर सकते हैं। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो अपनी डाइट में नट्स जरूर ऐड करें गाइस, नट्स। आप यहाँ एलमंड्स ऐड करें, काजू ऐड करें, रेजिन्स ऐड करें अपने डाइट में। और आप ऐड कर सकते हैं पीनट बटर, पीनट बटर नॉट बैड ऑप्शन। तो पीनट बटर आपने ध्यान रखना है यहाँ नेचुरल हो, आर्टिफिशियल ना हो, मतलब उसमें एडिड शुगर ना हो, ना कोई एडिड फ्लेवर हो। सो मेन पॉइंट्स यहाँ पर वेट गेन करने के लिए ये आ गए हैं कि आपको अपने कैलोरिक इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको अपने पर डे के हिसाब से कैलोरीज इंक्रीज करनी पड़ेगी, हेल्दी न्यूट्रिशन कंज्यूम करना पड़ेगा, अनहेल्दी फूड आपको कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं जो बैड फैट्स हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर क्वेश्चंस बिलो सो दैट आई कैन मेक फर्दर वीडियोस फॉर यू। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट योर क्वेश्चंस बिलो। दैट्स इट गाइस।